तो जय हिंद दोस्तों, सहारा इंडिया को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई। फिलहाल आप लोग बने रहिए, मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूं। तो चलो सीधा चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं क्या न्यू अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, ये देखिए सहारा इंडिया के मालिक सुप्रीत राय ने किया गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं नीचे दिखाते हैं। ये देखिए भुगतान 9% ब्याज के साथ किया जाना चाहिए, मांग के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है। यह निर्णय आयोग की अध्यक्ष अनीता सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार के समर्थन से लिया गया था और विपक्षी शिकायतकर्ता को 10,000 करोड़ रुपए की कुल परिपक्वता राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। समय पर भुगतान नहीं कराने पर कुल राशि पर 9% ब्याज देना होगा। उसके बाद देखिए पटना हाई कोर्ट में 22 जून को होगी सुनवाई। आपको बता दें कि अब पटना हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा इंडिया के सुप्रीत राय पहले कोर्ट में पेश भी नहीं हो पाए थे। कोर्ट ने उन्हें किसी भी सूरत में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह बीमारी का हवाला देकर नहीं आए। इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। वहीं हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की इस करने का आदेश दिया था। हालांकि हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। पटना हाईकोर्ट में 4,000 से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर अगले महीने 22 जून की सुनवाई होगी। तो जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताया है। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक एक चीज बता दिया है और इस वीडियो के माध्यम से जो भी है सही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं एक एक स्टेप को बताया है और चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं तब तक। नमस्कार, जय हिंद।